Subscribe to Narkasuri in Goa and click on the bell icon to never miss any update. Hey guys, आज आपको रावण बनाने सिखाने वाला हूँ। ऐसा वाला रावण नहीं, लेकिन ऐसा वाला जरूर। तो वीडियो में जुड़े रहना। अगर आपको इतने बड़े रावण की वीडियोस देखनी है तो चैनल पे 200 से ज़्यादा वीडियो है मेकिंग, रावण मेकिंग की। आप ज़रूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में हम छोटा वाला रावण बनाएंगे, जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ मिट्टी और पेपर से। फर्स्ट आपको मिट्टी चाहिए। इस वीडियो में मैं ये रावण का 3 पार्ट अपलोड करूँगा। आपने ध्यान से देखा तो आप भी आसानी से घर पे मेरा जैसा रावण बना सकते हैं। अब हम रावण का मोल्ड बनाएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहना। इसके लिए हमको मिट्टी चाहिए और पानी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप ज़मीन पर इसी तरह मार्किंग करो, जिस तरह मैंने किया है। आप चाहिए तो लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मार्किंग के लिए। बाद में इस मार्किंग के ऊपर पत्थर कुछ भी फिल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में मिट्टी फिल किया है, आप वीडियो देख के ही बनाना। बाद में क्ले सॉइल अच्छी तरह से मिक्स करना। बाद में क्ले सॉइल शेप देने के लिए यूज करो। क्ले सॉइल अप्लाई करने के बाद रावण की बॉडी कुछ इस तरह दिख जाएगी। अब हम रावण के ऊपर मार्किंग करेंगे उसकी चेस्ट, एब्स और बाइसेप्स। मार्क करने के बाद कुछ रावण इस तरह दिख जाएगा। आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं गूगल पे फोटो देख के। गूगल पे आपको बहुत फोटोज मिलेंगे। शेप देने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करो। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरह शेप दिया है। अगर शेप गलत भी हुआ ना तो कुछ डरने की बात ज़रूरत नहीं। बॉडी का शेप अलग अलग आकार से भी हो सकता है।
शेप देने के बाद रावण का मूल कुछ इस तरह दिख जाएगा। और मैंने उसको हाथ भी लगाया है, आप लगा सकते हैं और नहीं तो तलवार भी दे सकते हैं हाथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट टू और पार्ट थ्री जल्दी आएगा इस वीडियो पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।